हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है, गुड इवनिंग। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट को हम लेकर आए हैं जिसको हम सब जानते हैं, जिसका नाम है नेचियम। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें कैल्शियम सप्लीमेंट देता है। आज फुल डिटेल में इसके ऊपर हम बात करेंगे। और मैं एक्चुअली पर्सनली अगर आपको बताऊं तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। ऐसा प्रोडक्ट मैंने मार्केट में अभी तक नहीं देखा है। तो इसमें बहुत ही वंडरफुल फीचर्स है, ऐसे फीचर्स है जो आपको मार्केट के किसी भी कैल्शियम सप्लीमेंट में ये नहीं मिलेगा। जो भी लोग हमसे यूट्यूब पे कनेक्टेड है, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे जब आप सब्सक्राइब करेंगे और ये बेल बटन को आप जब क्लिक कर देंगे, तो कोई भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग या कोई भी ट्रेनिंग कंपनी अगर ऑर्गेनाइज करती है तो आपको जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो इसको जरूर कर ले। आगे बात करेंगे, हम सब यहाँ पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए आज हम बैठे हैं। माय फ्रेंड, ये जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपके लिए कंपनी लेकर आई है ना, एक मेरा पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है, आप दिन भर जितना जो काम करना है आप करिए, लेकिन जो रात का ये जो शाम का टाइम है ना, ये आप अपने बिजनेस के लिए जरूर निकालिए। कंपनी बहुत, आप मुझे स्क्रीन पे देख रहे हैं लेकिन मेरे पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत है ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग आप तक पहुंचाने के लिए। सबसे अच्छी चीज क्या है, ट्रेनिंग जो हम नॉर्मली लेते हैं 4 घंटे में सारा कुछ बताते हैं, यहाँ पे एक एक प्रोडक्ट के ऊपर हम 30 से 40 मिनट लगा रहे हैं। तो आपको प्रॉपर डिटेल मिलती है जो नॉर्मल लाइफ में हम पॉसिबल नहीं है कि एक एक घंटे पे हम एक एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग करेंगे। तो अभी आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है, तो इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग को प्रॉपरली यूटिलाइज करिए और 7:30 आप हमसे हर दिन कनेक्ट होइए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आज जो अगर बात करें, हमारी कंपनी इंडिया की पहली ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसका अपना एक एजुकेशन सिस्टम है, अपना एक ऐसा एक सिस्टम है, एकेडमी है जो आपको लर्न करवाती है। लर्न का मतलब ये आपको आपके प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, कैसे आपको अपना बिजनेस डेवलप करना है उसके बारे में आपको बताती है। क्योंकि हार्वेस्ट मानता है जब आप लर्न करते हैं, सीखते हैं किसी चीज को, पढ़ाई करते हैं, तो ही जाके लाइफ में हम पैसा कमा पाते हैं। जिंदगी में भी बहुत साल पढ़ाई करते हैं ना, अच्छे स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, तो जाके मार्केट में हमें जॉब मिलती है। मतलब पहले हम लर्निंग पे पैसे खर्च करते हैं, लर्निंग पे हम ध्यान देते हैं, तो लाइफ में अर्निंग आती है। बात करें, आप कंपनी से जितना जुड़े रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। हमारा एक फेसबुक पे पेज है, इस पेज को जरूर लाइक करें। कंपनी की कोई भी लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, तो इस पेज को लाइक जरूर करें। और कंपनी के पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं। जैसा आपको पता है, हमारी कंपनी FMCG मार्केट में आज घुस चुकी है। हमारी कंपनी के पास एक से एक ब्रांड हमारी कंपनी लेकर आई है। जैसे पहले ब्रांड का नाम है, उसका नाम है एलिमेंट्स वेलनेस, दूसरे का नाम है ऑन एंड ऑन। एलिमेंट्स जो है वो आयुर्वेदा पे बेस्ड है, ऑन एंड ऑन में हमारे बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स भी हैं, और आहार, न्यू स्टार, MI हो, ये सारी ब्रांड्स ऐसे हैं जो घर में जो चीजें हम यूज करते हैं, चाहे वो टूथपेस्ट हो, बर्तन धोने का साबुन हो, ये सारी चीजें इस ब्रांड में आती है। मसाले हैं, ये सारा चीज इस ब्रांड में आता है। एंड लास्ट में हमारे पास इंडिया ग्रो का भी एक ट्रेनिंग, इंडिया ग्रो का भी एक ब्रांड है। जैसे अगर आपको मैं अभी पहले भी एक चीज बता देती हूँ, लास्ट में भी आपको भी ये चीज रिपीट करूंगी, मंडे को सुबह 11 बजे हमारी एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स है उसकी ट्रेनिंग होने वाली है। तो सुबह हमारी एग्रीकल्चर की 11 बजे ट्रेनिंग होगी और शाम में 7:30 हमारी ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी, जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है। तो आपको मंडे को भी जुड़ना है हमारे साथ दिन में 2 बार। बात करें, हमने हमेशा से सुना है कि वी आर वर्किंग इन अ वेलनेस इंडस्ट्री। हम एक वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मतलब एक स्वास्थ्य इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इसका मतलब अगर अच्छा रखना है अपना स्वास्थ्य या सब कुछ, तो आपको अच्छा खाना खाना है, आप अच्छा फिजिकली फिट रहे, या आपको रात में अच्छी नींद आए, या आप स्ट्रेस कम ले रहे हैं, या डॉक्टर के पास कम जा रहे हैं। वेलनेस के बहुत सारे आस्पेक्ट है। इसीलिए अगर बात करें माय फ्रेंड, हमने इस लास्ट 20 दिनों में हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर बात किया कि ये प्रोडक्ट आप लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है, क्योंकि हमें इम्यूनिटी ही हमारा है जो हर वक्त हमें बीमारियों से बचाता है। हमने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी देखे जो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, बॉडी को अंदर से साफ करते हैं। डेली डिटॉक्स देखा हमने, ब्लड प्योरिफायर देखा हमने, ऐसे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे जो आपके वाइटल ऑर्गन्स, जो जरूरी अंग है, उसको अच्छा रखते हैं। जैसे थायराइड को अच्छा करने के लिए थाई हेल्थ है, आपके हार्ट को अच्छा रखने के लिए वेल हार्ट है, आपके किडनी और आपके यूरिन के रास्ते को अच्छा रखने के लिए यूरिफ्लश है। मतलब हर एक चीज के ऊपर हमारी प्रोडक्ट्स कंपनी लेकर आई है। हमने बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी देखे, जैसे हमने स्पिरुलिना गोल्ड प्रोडक्ट देखा, न्यूट्रीलाइफ देखा, प्रोटीन पाउडर के बारे में स्टडी किया, हमने फीलिंग जो एक आयरन सप्लीमेंट है उसके बारे में देखा, और आज हम एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेकर आए हैं जो हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट कंपनी लेकर आई है। बात करें, ये जो एलिमेंट्स वेलनेस का ये जो आप रेंज देख रहे हैं, ये सारा जो भी हम मैक्सिमम अभी जितने भी प्रोडक्ट्स हमने एलिमेंट्स वेलनेस के ज्यादा देखे हैं, उसी एलिमेंट्स वेलनेस जो है हमारा, वो आयुर्वेदा की गुडनेस पे बेस्ड है।
जैसे मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देती हूँ, आयुर्वेदा तो हजारों सालों से फॉलो हो रहा है। पहले लोग अच्छा खाना खाते थे, अच्छा हवा अंदर लेते थे, सांस लेते थे, इतना पेस्टिसाइड्स नहीं होता था, तो आयुर्वेदा फॉलो करते थे, हेल्दी रहते थे। आज के लोग आयुर्वेदा तो फॉलो कर रहे हैं लेकिन लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुकी है। आज हम बाहर का ज्यादा खा रहे हैं या जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, तो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल को देखते हुए, मॉडर्न साइंस को यूज करते हुए, आयुर्वेदा के बेस को लेकर हमारी कंपनी एक बहुत ही एक ऐसा ब्रांड लेकर आई है जिसका नाम है एलिमेंट्स वेलनेस, जो आयुर्वेदा के गुडनेस पे बेस्ड है। और अगर इस ब्रांड के बारे में बात करें तो इसका हमने कल रेम निद्रा के बारे में भी हमने स्टडी किया, इसका एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है। इसके पीछे जिनका बहुत बड़ा हाथ है इस ब्रांड को आगे बढ़ाने में, उनका नाम है डॉक्टर नारायणा सर। डॉक्टर डीबीए नारायणा सर की अगर हम बात करें तो ये शायद इनका जितना एक्सपीरियंस है ना, आज बहुत सारे लोग जो हमसे जुड़े होंगे उनकी एज भी नहीं होगी। इनकी एज, इनका एक्सपीरियंस ही 45 to 50 years, लगभग 45 से 50 सालों का एक्सपीरियंस है। गोल्ड मेडलिस्ट एक्सपर्ट है फार्मा एंड आयुर्वेदा में, डाबर, हिंदुस्तान लिवर, बिलसारा, ऐसी बर एंड बैक्सी, ऐसी बहुत सारी कंपनीज में उन्होंने वर्क किया है और एपीआई के कमिटी मेंबर भी रह चुके हैं। तो ऐसी पर्सनालिटी आज हमारे प्रोडक्ट्स के साथ आज जुड़े हैं। और अगर नारायणा सर का हाथ है हमारे प्रोडक्ट्स के पीछे, तो इसीलिए हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है एलिमेंट्स वेलनेस को 2019 का बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का रिकॉग्निशन मिला है। और सबसे अच्छी चीज क्या है माय डियर फ्रेंड, पहली बार किसी इंडियन डायरेक्ट कंपनी के किसी मेड इन इंडिया ब्रांड को अपने लॉन्च होने के 4 से 5 सालों के अंदर ये रिकॉग्निशन मिलना एक खुद में बहुत बड़ी बात है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इतने कम समय में ये रिकॉग्निशन मिलना। ये तब बताता है कि आपके प्रोडक्ट्स मार्केट के प्रोडक्ट से डिफरेंट है, आपके प्रोडक्ट्स रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है और अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स माने जाते हैं। इसी का एक 30 seconds का वीडियो, इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। Next is the Economic Times Best Healthcare Brands. Ladies and gentlemen, this evening is about recognizing those who've done their very best in the healthcare segment, be it personal care, sports nutrition, wellness, all a part of good health and more. तो ये हमारा वो ब्रांड है जो आयुर्वेदा की गुडनेस पे बेस्ड है। और अगर बात करें इस ब्रांड का, हमने एक प्रोडक्ट, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट लिया है, एक ऐसा कैल्शियम सप्लीमेंट जो कैपलेट के फॉर्म में, कैपलेट का मतलब कैप्सूल नहीं है, टैबलेट नहीं है, ऐसा टैबलेट है जो कैप्सूल के साइज का है, इसलिए इसका नाम हमने कैपलेट रखा है। कैप्सूल का कैप एंड टैबलेट का लेट, मतलब कैप्सूल के साइज का है और टैबलेट के फॉर्म में है। अब बात करते हैं कैल्शियम के बारे में, तो कैल्शियम एक बहुत ही एसेंशियल जरूरी चीज मानी जाती है। जैसे कि एग्जांपल से बताती हूँ, आज से 80 साल पहले 80 इयर्स बैक ये डैम बनाया गया था मैसूर में, टीआरएस डैम को बनाया गया था 80 साल पहले। उस समय जो होता था वो सीमेंट नहीं होता था, तो उस समय क्या यूज किया जाता था, जो रेत होता है, सैंड, पानी और चूना, इन तीनों को मिलाया जाता था, गीला करके बहुत देर तक इसको ग्राइंड किया जाता था। जो चूना होता है उसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। और 80 साल से आज भी ये डैम वैसा का वैसा ही खड़ा। चूने का मतलब क्या है, जो कैल्शियम होता है, क्योंकि चूने में कैल्शियम ही पाया जाता है, तो कैल्शियम जो होता है वो मजबूती का एक बहुत बड़ा सिंबल होता है, मजबूती आपको देता है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। बात करें कैल्शियम की हमारी बॉडी में जरूरत कहाँ है, देखिए आज हम बहुत डिटेल में जाकर बात करेंगे, कहीं कुछ ऐसी चीजें भी आएंगी, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा तो ही आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले हमारी बॉडी में 99% जो कैल्शियम होता है वो आपके दांतों में होता है, आपके टीथ में होता है, या तो आपके बोन्स में होता है, आपकी हड्डियों में होता है 99% कैल्शियम। तो 1% कहाँ होता है, आपके ब्लड में होता है और आपकी सॉफ्ट टिश्यूज में होता है, कार्टिलेज, कान की हड्डी आप देखते हैं बहुत सॉफ्ट होती है, कार्टिलेज उसमें पाया जाता है, 1% उसमें पाया जाता है। अब जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको थायराइड ग्लैंड की एक फोटो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ये जो थायराइड ग्लैंड आप देख रहे हैं ये हमारे गले के आगे होता है और गले के ठीक पीछे ये आप येलो चार चीज देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसको हम कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। आप ये पैराथायरॉयड को थोड़ा अच्छे से समझिएगा क्योंकि आगे चलकर हम इस पे बहुत सारी चीजें बोलने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो हमारे गर्दन के पीछे 4 छोटे-छोटे ऐसे पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं। अब हमारे खून में कैल्शियम रहने का एक बहुत बड़ा रीजन क्या है,
आपने खाना अच्छे से खाया, खाने में जब कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है, जब खून में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, तब आपका थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन बनाता है। नाम रटने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखिए उसका नाम कैल्सिटोनिन है। जैसे वो थायराइड ग्लैंड वो हार्मोन बनाता है, आपके खून में जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है वो निकलकर आपकी हड्डियों में जमा होने का काम करता है। इसीलिए थायराइड को जिनको प्रॉब्लम होता है उनकी हड्डियां कमजोर होने की प्रॉब्लम देखी जाती है, क्योंकि आपके खून से जो कैल्शियम है वो आपकी हड्डियों में जमा करने का काम ये थायराइड वाला हार्मोन करता है। लेकिन ऐसा भी लाइफ में कभी-कभी सिचुएशन आता है कि आपके खून में कैल्शियम की कमी हो जाती है, उस टाइम पे क्या होता है, ये जो पैराथायराइड ग्लैंड, ये जो चार छोटे-छोटे ग्लैंड आप देख रहे हैं, ये एक हार्मोन बनाता है जिसको हम पैराथायराइड हार्मोन कहते हैं। जैसे ये हार्मोन बनता है, आपकी जो हड्डियों में कैल्शियम जमा है वो आपके ब्लड में आना स्टार्ट हो जाता है, ताकि ब्लड का लेवल जो हो वो बैलेंस हो जाए। ब्लड में कैल्शियम रहने का कारण क्या है, ब्लड में क्यों मेंटेन करना कैल्शियम जरूरी है? मान लीजिए आपको कोई चोट लग जाता है, कट लग जाता है, खून बह रहा है, खून को क्लॉट करने का काम, खून को बंद करने का काम में कैल्शियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए आपके खून में कैल्शियम की जो मात्रा है, जो अमाउंट है, वो एक फिक्स किया गया, इतना होना चाहिए। तो आपके खून को बंद करने के लिए भी कैल्शियम मदद करता है, सिग्नल भेजने और रिसीव करने में भी कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे अगर मैं बात करूं आपको, जैसे ये आप फोटो देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे ये कैल्शियम आपकी नसों में जाता है, यहाँ से सिग्नल भेजने का काम करता है। इसमें एक्चुअली ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना याद रखिएगा हमारी बॉडी में सिग्नल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पैर में अगर चोट लगा है तो वहां से सिग्नल आपके दिमाग तक जाता है, तो ही बॉडी को पता चलता है कि चोट लगी है। तो कैल्शियम इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके मसल्स को रिलैक्स करने में कॉन्ट्रैक्ट रोल प्ले करता है, तो ये कैल्शियम इसमें भी अच्छा रोल प्ले करता है। आपके मांसपेशियों को अच्छा रखता है, कुछ हार्मोन के रिलीज होने के लिए कैल्शियम की जरूरत है। कुछ लोगों का ऑडियो ऑन है, प्लीज ऑडियो अपना ऑफ कर दीजिएगा प्लीज। आपके हार्ट रेट को अच्छा रखने में भी कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा हम सबको पता है, हार्ट हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है, मांसपेशियों मसल से बना हुआ है। आपके हार्ट को नॉर्मल रखने में, आपके हार्ट बीट को अच्छा रखने में भी कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, उनके बहुत ज्यादा बाल झड़ते हैं या उनके बाल अच्छे नहीं है। आयुर्वेद में बोला जाता है कि अस्थि धातु, जो हमारे बोन्स है, उसका मला मतलब वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब ऐसी चीज, आपको जैसे आप एग्जांपल से समझिए, ज्यादा मैं टिपिकल लैंग्वेज में नहीं जाऊंगी, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी तो सबको समझ में आएगा। हमारे, आपने सुना होगा, नॉर्मली हर दिन हमारे बाल भी बहुत ज्यादा झड़ते हैं, नॉर्मल कुछ लेवल बाल हर दिन झड़ते भी हैं। तो आयुर्वेद में बोला जाता है कुछ चीजें आपकी बॉडी में हर दिन हमारी बॉडी में बनती भी है, निकलती भी है। तो कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जो बाल है उसको अच्छा रखने में, हेल्दी रखने में। और आपने नोटिस किया होगा कि जो लेडीज लैक्टेटिंग होती है, बच्चे को दूध पिला रही है, उस टाइम पे लेडीज का बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। इसीलिए अगर बात करें कैल्शियम की कमी की वजह से बाल झड़ने भी स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कैल्शियम के जो जरूरी है हमें जानना, वो क्या है। सबसे पहले आपका, अगर मान लीजिए वेट 60 केजी है, तो आपके वेट का 2% हमारी बॉडी में कैल्शियम होता है। मतलब अगर आपका वेट 60 केजी है तो लगभग 1 केजी से लेकर 1200 आपके जो बॉडी में है वो कैल्शियम होना चाहिए। अगर आपका वेट 60 केजी, तो मिनिमम 1 केजी आपकी बॉडी में कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन हर दिन बहुत सारे तरीकों से हमारी बॉडी से कुछ कैल्शियम बॉडी से बाहर निकल जाता है। कितना निकल जाता है? लगभग 700 mg कैल्शियम पर डे हमारी बॉडी से बाहर भी निकल जाता है। अब कैसे निकलता है? स्टूल के थ्रू निकल जाता है, यूरिन के थ्रू निकल जाता है, स्वेट पसीने के थ्रू निकल जाता है, ये बहुत सारी चीजों के थ्रू ये जो कैल्शियम है बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इंडियन जो डाइट है उसमें बॉडी बस 20-50% ही कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर पाता है, ले पाता है। तो आप जितना कैल्शियम खा रहे हैं बॉडी उसको पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, ले नहीं पा रहा है। कैल्शियम आपको बहुत सारी चीजों से मिलता है, कैल्शियम आपको दूध से भी मिलता है, जो हम चीज खाते हैं, दही खाते हैं, सोया प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मतलब बहुत सारे हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उसमें भी मिलता है। लेकिन एक चीज है,
पालक में कैल्शियम बहुत अच्छे से होता है, लेकिन पालक में क्या एक ऑक्सालिक एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से बॉडी जो होता है वो कैल्शियम उससे ले नहीं पाता, क्योंकि ऑक्सालिक एसिड जो होता है पालक में वो कैल्शियम को लेने से मना करता है, और बहुत सारी चीजों में भी कैल्शियम पाया जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, जब हमारे खून में कैल्शियम का लेवल कम होने लगता है, उस कंडीशन को हम हाइपोकैल्सीमिया भी कहते हैं। खून में कैल्शियम का लेवल जब कम हो जाता है तो ये एक प्रॉब्लम भी देखिए। अगर बात करें, आपने एक चीज बहुत ही कॉमन सुनी होगी कि विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अब विटामिन डी का कैल्शियम से क्या संबंध है, इसके ऊपर एक छोटा सा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको समझने की कोशिश करिएगा। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी कि विटामिन डी का आपके कैल्शियम से क्या रिलेशन है। आपके खून में जब कैल्शियम की मात्रा कम होती है, तो मैंने आपको बताया कि हमारे गले के पीछे चार छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं, जिसको हम पैराथायरॉइड ग्लैंड बोलते हैं, वो एक हार्मोन बनाते हैं। जैसे वो हार्मोन आपके बॉडी में जाता है, वो तीन काम करता है। पहला काम क्या करता है, आपके किडनी, जैसा हमें पता है कि किडनी यूरिन बना आपके खून को फिल्टर करता है, यूरिन के रास्ते से बहुत सारी चीजें निकाल देता है। तो जैसे वो हार्मोन निकलता है, आपका जो किडनी होता है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है, ज्यादा कैल्शियम आपके यूरिन के रास्ते से नहीं निकालता है। दूसरा काम क्या होता है, आपकी हड्डियों में कैल्शियम जमा होता है, ये हमने पहले देखा। तो जो आपके खून में कैल्शियम की कमी होती है, तो हड्डियों से कैल्शियम आपके खून में आने लगता है, ये दूसरा काम है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट काम है वो क्या है, हमारी बॉडी में जो विटामिन डी होता है उससे भी एक हार्मोन बनता है, और जब वो हार्मोन निकलता है तब आपकी जो आते हैं इंटेस्टाइन है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। तो आपने जो खाना खाया, अगर आपके खाने में अगर बात करें, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी, तो आपके खाने से जो कैल्शियम है वो आपकी आते स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। इसीलिए कहते हैं कि जब आपके बॉडी में विटामिन डी का जो लेवल है वो अच्छा होना चाहिए। अगर विटामिन डी का लेवल अच्छा होगा तो आप जो खाना खा रहे हैं उसमें से बॉडी कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है। लेकिन आज बहुत सारे लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखी जाती है। कहते हैं 10 में से 7 लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखी जाती है, और एक सिंपल से टेस्ट से हम विटामिन डी जो है वो हम पता कर। अब मैक्सिमम जो सोर्सेस देखे जाते हैं विटामिन डी के वो नॉन वेज होते हैं, चाहे वो फिशेस हो गए, फिश हो गया, मछली हो गई, या अंडे का जो पीला वाला अंदर पार्ट होता है जिसको हम एग योक भी कहते हैं, उससे मिलता है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है, नेचुरल तरीके से अगर हम बात करें, सुबह की सनलाइट में आप बैठिए, धूप में बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है। कम से कम सुबह 9 से 10 बजे की जो धूप होती है, 15 से 20 जब आप धूप में बैठते हैं, आपकी जो स्किन है वो विटामिन D3 बनाती है। आपके स्किन पे जब वो पड़ता है, सनलाइट पड़ता है, तो आपकी स्किन विटामिन D3 बनाती है, जो एक नेचुरल सोर्स है जो हम बिना पैसे खर्च के भी ले सकते हैं। एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज के रिपोर्ट में पाया गया कि जो लोग ज्यादा ही क्रॉनिकली इल है, मतलब ज्यादा ही सीरियस पेशेंट है, उनमें कैल्शियम डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। और ग्लोबल एस्टिमेट कहता है, जो 2015 में पब्लिश हुआ था, आज पूरे दुनिया में 3.5 बिलियन, आप समझ रहे हैं, मैं मिलियन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बिलियन की बात कर रही हूँ, लगभग करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको कैल्शियम डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम है, कैल्शियम की कमी है बॉडी में। और सबसे ज्यादा किस में देखा जाता है, लेडीज में, विमेन में सबसे ज्यादा कैल्शियम की प्रॉब्लम देखी जाती है। और प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारी लेडीज को पता ही नहीं कि बॉडी में उनके कैल्शियम की प्रॉब्लम है। अगर बात करें कौन कौन से लोग हैं जो ज्यादा कैल्शियम डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम देखी, सबसे पहला है जो ओल्डर एडल्ट्स हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनमें कैल्शियम की प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि बॉडी अच्छे से उस एज में कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ले नहीं पाता है। जो टीनेजर्स होते हैं, जिनकी एज बढ़ रही है, अगर उनका खाना अच्छा नहीं है, डाइट अच्छा नहीं है, तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती है, या बहुत सारे बच्चे इस एज में जो होते हैं वो ज्यादा प्रोन होते हैं कैल्शियम की प्रॉब्लम की वजह से। कहते हैं अगर छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे जिनके दांत भी नहीं आए हैं, अगर उनकी बॉडी में भी कैल्शियम की कमी होने लगती है, तो उनके दांत भी अच्छे से नहीं आ पाते, क्योंकि हमारे दांत भी कैल्शियम के बने हैं। जो लोग ज्यादा ओवरवेट है, जिनका वजन बहुत ज्यादा है, उनमें भी कैल्शियम की प्रॉब्लम देखी जाती है। क्यों, अगर आप ज्यादा ओवरवेट है, मतलब आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, आप खाना जो खा रहे हैं बॉडी अच्छे से ले नहीं पा रहा है, बहुत सारी चीजें आपकी बॉडी में अच्छे से जब नहीं हो पाती हैं, आपका बॉडी अच्छे से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। और बहुत सारे लोग जो ओवरवेट होते हैं, उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी देखी जाती है। और कौन सी लेडीज,
जिन लेडीज की मल्टीपल प्रेगनेंसी हो चुकी है, मतलब एक बच्चे दो बच्चे हो चुके हैं, दो बच्चे के ऊपर हो चुके हैं, जब मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है तो बॉडी ज्यादा अपने बॉडी जो होती है वो कैल्शियम को लूज करती है, कैल्शियम को बॉडी से बॉडी ज्यादा बाहर हो जाता है कैल्शियम का, इसलिए बहुत सारे लोगों में कैल्शियम की कमी देखी जाती है, स्पेशली ऐसी लेडीज में जिनकी मल्टीपल प्रेगनेंसी हो गई है, बच्चे को दूध पिला रही है। और जो लोग ज्यादा भी नमक खाते हैं या ज्यादा प्रोटीन इनटेक लेते हैं उनमें भी कैल्शियम की कमी देखी जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा कैल्शियम जो होता है वो बॉडी से बाहर निकलने लगता है। और जिन लोगों को पेट से रिलेटेड इश्यू है, पेट साफ नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों को भी स्टूल के थ्रू बहुत ज्यादा कैल्शियम बॉडी से बाहर निकल जाता है, क्योंकि अगर पेट का इश्यू है, आपकी आंतें अच्छे से काम नहीं कर रही, तो कैल्शियम आप खा रहे हैं लेकिन बॉडी ले नहीं पाएगा, और जो कैल्शियम आप डाल रहे हैं वो आपके स्टूल के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन बात करें सिम्टम्स क्या देखे जाते हैं, आपको बॉडी सिम्टम दिखाना स्टार्ट कर देता है। पहला सिम्टम होता है कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी में आपके जो मांसपेशियों हैं उसमें दर्द होने लगता है। बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि आपने देखा होगा बहुत देर तक पैर फोल्ड करके थोड़ी देर बैठा, पैर नंब हो गया, फिर थोड़ी देर नॉर्मल किया, वो ठीक हो गया। ये सब माइनर सिम्टम्स बताते हैं कि आपके बॉडी में कैल्शियम की प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा एक्सट्रीम फटीग होता है, मतलब बहुत ज्यादा थकावट रहती है। हमारी बॉडी में जब कैल्शियम के लेवल कम होने लगता है तो बहुत सारे लोगों को रात में अच्छी नींद नहीं आती है, वो आलस फील करते हैं, लेथार्जी फील करते हैं, बहुत थकावट उनको महसूस होने लगती है। बहुत सारे लोगों को नेल्स खराब होने लगते हैं, उनकी स्किन जो होती है वो बहुत ड्राई हो जाती है, रूखी हो जाती है। ऐसे लोगों को आगे चल के एक्जिमा, बहुत सारी ऐसी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जाती है। तो अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर कैल्शियम नहीं है, आपकी स्किन भी खराब होने लगेगी, आपके बाल झड़ने लगेंगे, हेयर फॉल होने लगेगा, बालों की क्वालिटी खराब होने लगेगी, आपके नेल्स बहुत ब्रिटल हो जाएंगे, टूटने लगेंगे जल्दी, ये सारे लक्षण देखे जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो कैल्शियम की होती है वो क्या है, ऑस्टियो मतलब हड्डियां और पोरोसिस मतलब उसमें पोर्स बन जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं। जैसे आपकी जो हड्डियां हैं उसमें कैल्शियम रहता है, कैल्शियम से ही आपकी हड्डियां बनी हुई हैं। जब आपके खून में बार बार कैल्शियम की कमी हो रही है क्योंकि आप खाने से कैल्शियम ले नहीं पा रहे, तो कैल्शियम कहाँ से आएगा आपके ब्लड में, हड्डियों से। तो बार बार जब हड्डियों से कैल्शियम निकलने लगता है उस कंडीशन में आपकी जो हड्डियां होती है वो बहुत खोखली होने लगती है, कमजोर हो जाती है, बहुत फ्रेजाइल हो जाती है। अगर कुछ लोग हल्का सा भी गिर गए तो मतलब उनका बोन फ्रैक्चर हो जाता है या ऐसे कुछ प्रॉब्लम देखी जाती है अगर आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। एक कुछ रिसर्च में ये भी पाया गया है कि जिन लेडीज में कैल्शियम डेफिशिएंसी प्रॉब्लम है उनको पीरियड्स में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के भी प्रॉब्लम देखे जाते हैं, मतलब पीरियड्स आने से दो दिन पहले बॉडी में कमर में दर्द, पेट में दर्द, ऐसा देखा जाता है। और पहले ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, आज की लेडीज को लाइफस्टाइल की वजह से, डाइट की वजह से मैक्सिमम 63% लेडीज को ये प्री मेंस्ट्रुअल की सिंड्रोम पीरियड से पहले इश्यूज आ रहे हैं। तो इसमें कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे लोगों को दांतों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम देखी जाती है, क्यों? जैसे मैंने पहले बताया 99% कैल्शियम आपकी दांतों और हड्डियों में होता है, तो जब आपके खून में जब कैल्शियम की कमी होने लगती है, बॉडी को अच्छे से कैल्शियम नहीं मिल पाता, तो बॉडी कहाँ से कैल्शियम पुल करता है, या तो हड्डियों से या तो दांतों से। तो जब आपके दांत कमजोर होने लगते हैं तो दांतों में कीड़े लगने लगते हैं, दांत बहुत वीक हो जाते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम देखी जाती है। तो डेंटल इश्यूज अगर आपको ज्यादा हो रहे हैं, दांतों से रिलेटेड समस्या आपको ज्यादा हो रही है, तो मतलब बॉडी में कैल्शियम की कमी। और बहुत सारे बच्चे होते हैं, अब कभी कभी आपने देखा होगा एक ही क्लास में एक ही एज के बच्चे हैं लेकिन किसी की हाइट अच्छी है, किसी कोई बहुत छोटा दिख रहा है। इसका मतलब बच्चों की हाइट प्रॉपरली नहीं बढ़ पाती है अगर उनको बढ़ती एज में अच्छे से कैल्शियम नहीं मिलता है। बात करें हमें यार डेली रिक्वायरमेंट कैल्शियम की क्यों है, क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं बॉडी उसका पूरा यूज नहीं कर पा रहा है। दूसरी चीज है थायराइड का, अगर किसी को इश्यू देखा जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया ये आपका थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड ये कैल्सियटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है। जैसे ये हार्मोन रिलीज करता है आपका जो किडनी है वो क्या करता है, कैल्शियम एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है, इनहिबिट कर देता है, ज्यादा आपके यूरिन से बाहर निकालने देता है। क्यों? आपके ऑलरेडी खून में कैल्शियम की मात्रा जो है वो ज्यादा है। आपके बॉडी में जो आपकी आंतें हैं वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना बंद कर देती हैं, आपकी जो हड्डियां हैं आपके खून से जो कैल्शियम है वो आपकी हड्डियों में जमा होने लगता है। थायराइड जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम के ऊपर। आपका पेट हल्का एसिडिक होता है, हम सबका पेट एसिडिक होता है, और एसिडिक एनवायरनमेंट में, एसिडिक वातावरण में आपका बॉडी ज्यादा कैल्शियम ले पाता है। जब आप खाने से कैल्शियम ले रहे
और आपका बॉडी उसको नहीं ले पा रहा है तो क्या होता है, वो आपके फीसेस के थ्रू, स्टूल के थ्रू बॉडी से बाहर निकलने लगता है। और बहुत सारे लोगों में आजकल ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन देखी जा रही है। जैसे मैंने बताया, खून में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो आपकी हड्डियों में जो जमा कैल्शियम है वो बार बार आपके खून में आने लगता है, और जो एक दो बार हो चलेगा, लेकिन वो बार बार अगर ऐसा होने लगता है तो हड्डियां खोखली होने लगती है, कमजोर होने लगती है, आपको थोड़ा सा भी गिर जाएंगे तो फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, वो बेंट होने लगती है, कुछ तो घुटने चलना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। हमारे हड्डियों के जो सेल्स होते हैं उसको हम ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये कोशिकाएं हैं जिससे हमारी हड्डियां जो है वो बनती है, हमारे दांत जो है वो बनने में मदद करते हैं। अब बात करेंगे कि क्या कारण है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम का जो होम्योस्टेसिस है, मतलब कैल्शियम का जो बैलेंस है, वो नहीं अच्छा रह पाता है। हार्मोनल डिस्टर्बेंस, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपका हार्मोन जो जितना बनना चाहिए वो अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो भी कैल्शियम डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे हम थायराइड के ऊपर बात करें, जब हम थोड़े बूढ़े होने लगते हैं बॉडी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, स्पेशली जब मेनोपॉज का टाइम आता है, जब पीरियड्स जब लेडीज के बंद हो जाते हैं, 45 के बाद जब लेडीज के पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो भी बहुत सारी लेडीज में कैल्शियम की प्रॉब्लम देखी जाती है। थायराइड के ऊपर तो अभी हमने बात ही किया कि अगर किसी का थायराइड सही नहीं है तो कैल्शियम का जो लेवल है वो अच्छा नहीं होता। क्यों? जब खून में कमी हो जाती है कैल्शियम, जब ज्यादा हो जाता है आपके खून में कैल्शियम, तो आपके खून से आपकी हड्डियों में जमा करने का काम वो थायराइड का हार्मोन ही करता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, तो भी आपका बॉडी कैल्शियम के लेवल को डिस्टर्ब कर देता है। और बहुत सारी दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी देखा जाता है। कुछ लोग होते हैं जो किडनी स्टोन है तो डायूरेटिक की दवाइयां लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे थायराइड की दवा ले रहे हैं, टीवी की दवा ले रहे हैं, नमक ज्यादा खा रहे हैं, या नॉनवेज भी जब आप ज्यादा खाते हैं तो भी आपका बॉडी जो है वो कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये कारण है जिसकी वजह से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, बहुत सारी चीजें हैं जो कैल्शियम एब्जॉर्ब होने में मदद करती हैं और उसको हैम्पर भी करती है, खराब भी करती है। लेकिन बात करें लेना कितना है, कहते हैं एक हेल्दी पर्सन जो है उसको 8.5 से 10.6 mg पर डेसिलीटर कैल्शियम लेना चाहिए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और FSSAI के अकॉर्डिंग जो आपको डेटा दिखाया जा रहा है वो इंडियन बेस्ड डेटा है, मतलब इंडिया के लोगों को कैल्शियम की जरूरत है उसके बेसिस पे ये डेटा आपको मैं दिखा रही हूँ। अगर आप नॉर्मल है, मतलब मैन है और नॉर्मल लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी भी है या हैवी वर्क भी कर रहे हैं, बॉडी वेट 60 kg तक है, तो आपको रोज कम से कम 300 mg कैल्शियम पर डे की जरूरत है। जो ऐसी लेडीज है जिनके वेट जो है वो 55 है, 55 उनका वेट है, नॉर्मल लाइफस्टाइल है या हैवी वर्क भी कर रही है, तो भी उनको 600 mg की जरूरत है। मतलब जितना जेंट्स को चाहिए उतना ही लेडीज को चाहिए। लेकिन प्रेग्नेंट हो जाती है या लैक्टेटिंग हो जाती है तो उसको ज्यादा कैल्शियम लेने की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चे का भी ग्रोथ उनके ही कैल्शियम पे डिपेंड कर रहा है। जो बच्चे बढ़ती उम्र के हैं, 7 से 9 साल के बच्चे हैं, उनको भी उतना ही कैल्शियम लेने की जरूरत है जितना एक हेल्दी अडल्ट को लेने की जरूरत है। और जो बच्चे 10 से 17 साल के बीच में, उनको थोड़ा ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है, उस समय हाइट बढ़ रही होती है, ग्रोथ हो रहा होता है, तो उनको थोड़ा ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है क्योंकि वेट भी बढ़ जाता है और वेट के अकॉर्डिंग आपको कैल्शियम इंटेक लेना। इसीलिए बोले हमें अपना हेल्थ मेंटेन करना, कैल्शियम का बोन हेल्थ, मतलब आपकी हड्डियों का हेल्थ मेंटेन करना क्यों जरूरी है। आज इंडिया में हाई परसेंटेज ऐसे लोग हैं, भारतीय हैं, जिनको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, कमजोर हड्डियां उनकी देखी जा रही हैं। कहते हैं हर दूसरी औरत, मतलब 50% इंडिया में ऐसी लेडीज हैं जिनको आज हड्डियों की प्रॉब्लम है, हड्डियां कमजोर है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, या हर 8 जेंट्स में एक को कैल्शियम की प्रॉब्लम देखी जा रही है, स्पेशली अगर उनकी एज 45 ईयर्स के ऊपर है। बोला जाता है जब आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है तो बैक पेन होने लगता है, कमर में पीठ में दर्द होने लगता है, हाइट आपकी कम, मतलब बच्चों की हाइट प्रॉपरली नहीं बढ़ पाती है। कुछ लोग होते हैं दुबले पतले होते हैं लेकिन पेट बहुत ज्यादा बाहर निकलता होता है। क्यों? आपकी जो ये रीढ़ की हड्डी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, वो आगे की तरफ अगर बेंड कर जाता है, क्योंकि हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा जब कम हो रही है तो आपका पेट जो होता है वो ज्यादा बाहर निकल जाता है। कुछ लोग होते हैं झुक के चलते हैं तो ये भी एक प्रॉब्लम देखी जाती है जिसमें कैल्शियम एक रोल प्ले करता है। आपके पोस्चर को अच्छा रखने के लिए कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। अब आपकी अगर हड्डियां कमजोर हो जाएंगी तो डेली लाइफ की जो नॉर्मल चीजें, गाड़ी चलाना हुआ, चलना हुआ, खाना बनाना हुआ, कुछ लोग लेडीज होती है ना
ज्यादा देर तक खड़े होके खाना नहीं बना पा रही है, या थोड़ा सा सफाई करके थक जा रही है, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक अच्छे पोस्चर में बहुत देर तक खड़े नहीं हो पाते, वो झुक के खड़े होने लगते हैं। तो ये सारी चीजें बताती कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कैल्शियम की प्रॉब्लम है। और बहुत सारे ऐसे जेंट्स और लेडीज भी हैं जिनको हिप फ्रैक्चर की भी प्रॉब्लम देखी जाती है, क्योंकि हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती है, थोड़ा सा भी गिर जाते हैं तो हड्डियां टूट जाती हैं, कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। और क्या होता है, आगे हम लोगों पे डिपेंड होने लगते हैं। एक लो डोज एक्सरे टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप हड्डियों की डेंसिटी को आप मेजर कर सकते हैं। तो ये अच्छा तरीका है, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आप उनको बोलेंगे तो वो आपको ये रेकमेंड कर देंगे जिससे हिसाब से आप अपनी हड्डियों में कितनी डेंसिटी है, कैल्शियम अच्छे से है या नहीं, वो आपको ये बताता है। अब हम अगर बात करें, कहते हैं हमारी जो हड्डियां है ना वो रोज रीमॉडल होती है, मतलब उसमें नई कोशिकाएं बढ़ती रहती है, निकलती रहती है, और ये जो रीमॉडलिंग का जो हड्डियां बनने का जो प्रोसेस है ना वो लगभग 20 से 25 30 साल तक ये चलता रहता है, उसके बाद थोड़ा डोमेंट हो जाता है, रुक जाता है। कहते हैं कैल्शियम जो हमारी हड्डियां हैं उसको वो कैसे बनती है, जो आप खाने में कैल्शियम ले रहे हैं, या आप कोई सप्लीमेंट के थ्रू कैल्शियम ले रहे हैं, या अगर बात करें हमारी बॉडी में विटामिन डी और मैग्नीशियम जो है कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने में मदद करता है, आपका डाइजेशन भी अच्छा है, आप जो खाना खा रहे अच्छे से पच रहा है, आपको एसिडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टाइम टू टाइम खा रहे, आपकी इम्यूनिटी लेवल बीमारियों से लेवल लड़ने की जो ताकत है वो भी अच्छी है, और आप ज्यादा चाय कॉफी भी नहीं पी रहे हैं, या आप अल्कोहल ज्यादा नहीं ले रहे हैं, आप प्रॉपर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आप स्मोक सिगरेट नहीं पी रहे, और अगर आप कोई दवाइयां खा रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, कोई सप्लीमेंट लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम जब हाई जो मेडिकेशंस पे होते हैं हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होने लगती है। तो अगर हम इन चीजों को फॉलो करते हैं तो हमारा जो बॉडी है वो अच्छे से आपके बोन हेल्थ को अच्छा रखता है, हड्डियों को बनाने में मदद करता है। कैल्शियम आपको बहुत सारी चीजों में मिलता है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, ब्रोकली से लेकर दूध से लेकर दही से लेकर हर चीज में कैल्शियम पाया जाता है, इवन चीज में भी कैल्शियम पाया जाता है। इसीलिए हमें कैसे पता चलेगा कि किसी प्रोडक्ट में कितना कैल्शियम है, इसके ऊपर याद रखिएगा आपका जो कैल्शियम है हर चीज पर डिपेंड करता है। जैसे अगर किसी खाने पर लिखा है कि उसमें 20% कैल्शियम है, 20% का मतलब 200 mg कैल्शियम आपको पर सर्विंग दे रहा है। अगर बात करें जैसे प्रोडक्ट में 10-19% अगर कैल्शियम है तो अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट में 20% से ज्यादा कैल्शियम लिखा है तो उसको एक अच्छा सोर्स माना जाता है कैल्शियम का। इसीलिए बोले मार्केट में बहुत सारे कैल्शियम अवेलेबल है, मैक्सिमम जो मार्केट में कंपनीज है वो ये कैल्शियम कार्बोनेट यूज करती है, एक तरीके का कैल्शियम सॉल्ट यूज करती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आप मार्केट का 500 mg कैल्शियम लेते हैं तो जाकर आपके बॉडी 45 से 200 mg ही कैल्शियम उसको मिल पाता है। मतलब आप ले रहे हैं 500, लेकिन बॉडी उसका 200 ही mg कैल्शियम वो आपको दे रहा है। इसलिए मार्केट के जो कैल्शियम होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, आपको 2-3 बार कैल्शियम लेने को बोला जाता है, तो भी जितना जरूरत है उतना कैल्शियम आपको नहीं दे पाता है। इसीलिए बात करें कैल्शियम के सोर्सेस क्या है, आपको कैल्शियम नेचुरल तरीके से कैसे मिलता है, या आप लाइमस्टोन देख रहे हैं ऐसे पत्थर होते हैं, या आपको चौक जो होता है उसमें भी कैल्शियम होता है, लेकिन ये सारी चीजें जो है उसको बहुत साफ सुथरा करना पड़ता है और बहुत ही मेहनत के बाद क्लीनिंग के बाद वो खाने लायक बन पाता है। इसीलिए कैल्शियम को सिंथेटिक तरीके से भी बनाया जाता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में उसको चेंज किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है फूड ग्रेड में, जिसको आप खा सकते हैं, उस कैल्शियम को आप खा सकते हैं। कैल्शियम आपको एनिमल सोर्सेज से भी मिलता है, जैसे आप ये शेल्स देख रहे हैं, अंडे के छिलके में भी कैल्शियम होता है, हड्डियों में भी कैल्शियम होता है, शेल्स जो होते हैं या मोतियां पर्ल्स जो होती है, इन सब में कैल्शियम पाया जाता है। लेकिन जो सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है, आज से नहीं हजारों सालों से जो सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है कैल्शियम का, वो है दूध से बना हुआ दूध में जो कैल्शियम मिलता है, जिसको कैल्शियम गाय के दूध से जो कैल्शियम होता है वो हम निकालते हैं। और हमने एक स्पेशलाइज टेक्निक से हमने क्या किया है, दूध से कैल्शियम तो निकाला ही है, प्लस उसके साथ हमने नेचुरल मैग्नीशियम पोटेशियम एंड फास्फोरस, ये तीन चीज भी उससे निकाला है जो हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन देता है। मतलब क्या है कहने का, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। मेरी एक बार एक डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि दूध तो हम ज्यादा दिन नहीं रख सकते, 2 या 3 दिन ही हम रख सकते, आपने ऐसा कौन सा टेक्निक यूज किया है कि आपने दूध से कैल्शियम निकाला है, क्योंकि माय फ्रेंड मार्केट में ये
ये कोई कंपनी नहीं करती है। हमने नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम निकाला है जहां पे हमने दूध से नेचुरल कैल्शियम और उसी से जो नेचुरल मैग्नीशियम पोटेशियम एंड फॉस्फोरस है वो भी हमने निकाला है। अब जब बॉडी में नेचुरल चीज जाएगी तो बॉडी उसको ज्यादा आसानी से एब्जॉर्ब कर पाता है, ले का पाता है। इसी कॉन्सेप्ट में हमारी कंपनी ने नेटशियम के कैपलेट्स बनाए हैं। ये जो नेटशियम का कैपलेट है इसका नाम नेटशियम क्यों रखा है, क्योंकि नेट का मतलब है नेचुरल हर्ब्स, मतलब हमने इसमें दो ऐसी जड़ी बूटियां भी डाली हैं जो नेचुरल हैं, इसलिए उससे नेचुरल से हमने नेट निकाला है। और शियम मतलब कैल्शियम, तो एक ऐसा कैल्शियम जो नेचुरल सोर्स से लाया गया है, इसलिए हमने इसका नाम नेट शियम रखा। कैपलेट्स का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया, कैप्सूल के फॉर्म में टैबलेट है बट कैप्सूल के फॉर्म में है, कैप्सूल के साइज जैसा है, इसलिए इसका नाम कैपलेट रखा गया। अब बात करें इसकी खासियत क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया दूध से निकाला गया है, नेचुरल सोर्स से हमने निकाला है। दूसरी चीज, एक स्पेशल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, आज तक मार्केट में किसी ने वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया है जिससे हम दूध से वो कैल्शियम निकालते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिंपल से एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूं। मार्केट की जो कंपनीज होती है वो बस आपको कैल्शियम देती है, हमने कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम पोटेशियम एंड फॉस्फोरस इन तीनों चीजों को भी डाला। एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि कार में सबसे जरूरी चीज क्या है, कार चलेगी नहीं, आप बोलोगे कार का इंजन, मैं बोलूंगी कार का इंजन निकाल कर दे दूंगी, ये लो कार का इंजन और जाओ बैठो घूमो, आप इसको यूज नहीं कर पाओगे। कार का इंजन इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन स्टीयरिंग भी चाहिए, सीट भी चाहिए, टायर भी चाहिए, मतलब छोटी छोटी चीजें चाहिए तो ही आप कार के इंजन को यूज कर सकते हो। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम अच्छे से जा रहा है लेकिन मैग्नीशियम पोटेशियम एंड फॉस्फोरस की कमी है तो बॉडी कैल्शियम को ले नहीं पाता, इसीलिए हमने क्या किया, कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम पोटेशियम एंड फॉस्फोरस इन तीनों चीजों को भी डाला है ताकि जो कैल्शियम अंदर जा रहा है बॉडी उसको अच्छे से ले पाए। इसीलिए इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत अच्छा है, आपकी बॉडी में जब ये कैल्शियम जाता है तो बॉडी ज्यादा इसको एब्जॉर्ब कर पाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मार्केट का कैल्शियम जब हम ज्यादा दिनों तक खाते हैं तो क्या होता है, पथरी की प्रॉब्लम, स्टोन्स की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आप कैल्शियम ले रहे हैं बॉडी ले नहीं पा रहा, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, तो वो पत्थर बनने लगते हैं। एलिमेंट्स वेलनेस ने यहाँ पे एक ट्विस्ट लाया है, वो क्या है, पहली बार किसी कैल्शियम सप्लीमेंट में आयुर्वेदिक हर्ब गोक्षुर डाला गया है जो क्या करता है, स्टोन्स को डिजोल्व कर देता है। अगर कोई पत्थर बन भी रहा है तो उसको डिजोल्व कर देता है, हटा देता है, निकाल देता है, ऐसा आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। और एक दूसरी चीज क्या डाला है, पीपली, अगर आपको याद होगा पीपली को हमने बहुत सारे प्रोडक्ट में याद किया था, त्रिकटु का एक तीसरा इंग्रेडिएंट पीपली बोला जाता है जिसकी पोटेंसी बहुत हाई होती है। जब हम पीपली डालते हैं तो और जो जड़ी बूटियां डाली गई हैं उसकी एब्जॉर्प्शन क्षमता को बढ़ा देता है, बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है, इसीलिए इसको योगवाही बोला जाता है, दूसरे जो जड़ी बूटियां हैं उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। और ये क्या है, ये नेचुरल मिल्क कैल्शियम है, ये कोई मार्केट का सॉल्ट नहीं है, कैल्शियम सॉल्ट नहीं है, ये नेचुरल मिल्क का कैल्शियम है, इसीलिए आपका बॉडी इसको ज्यादा अच्छे से ले पाता है। बीच में एक लाइन है इस कैपलेट में जिसको आप तोड़ के भी खा सकते हैं, ये स्कोरिंग लाइन बीच में एक होता है जिसको आप तोड़ के भी खा सकते हैं। डायरेक्शन क्या है, 5 से 70 साल के बीच के लोग उसको यूज कर सकते हैं, 5 साल के बच्चों को आप दे सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज, एक कैपलेट जब आप इसका लेते हैं ना, एक कैपलेट ही आपको 200 mg आपको कैल्शियम दे देता है। अब कोई बोलेगा 200 mg ही क्यों देता है, अगर 600 की रिक्वायरमेंट है तो 200 ही क्यों दे रहा है। माय डियर फ्रेंड, हमारी कंपनी एक चीज में बिलीव करती है और हम कभी ये नहीं कहते कि आपको 600 चाहिए तो आप 3-4 कैपलेट एक दिन में लो। हमारी कंपनी बिलीव करती है कि खाने से भी आपको कैल्शियम मिल रहा है, तो अगर आप थोड़ा सा भी ये कैल्शियम ले लेते हो तो आपकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो पूरी हो जाती है। बच्चों को हम स्कूल में एडमिशन कराते हैं, साथ में कोचिंग करवाते हैं, क्यों, अगर स्कूल में कोई कमी रह जाती है तो कोचिंग क्लासेस में पूरी हो जाती है, वही हमारा ये नेटशियम कर रहा है। आपके खाने में कोई कमी रह जाती है तो नेटशियम उसकी कमी को पूरा कर देता है। इसकी लाइन है जिसको आप तोड़ के भी खा सकते हैं। और एक कैपलेट ही रिकमेंड किया गया है, अगर जितने भी लोग हैं एडल्ट लोग हैं एक कैपलेट भी लेंगे लगातार 3 महीने के लिए आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक जो बॉक्स है वो आपका 2 महीने का डोज हो जाता है। क्या ध्यान देना है, जो भी 5 से 12 साल के बच्चे हैं, 5 से 10 साल के बच्चों को आधा कैपलेट दीजिए, 10 से ऊपर लोगों को आप एक कैपलेट दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अब एक चीज यहाँ पे हमेशा मुझे क्वेश्चन पूछने को आता है प्रेग्नेंट लेडीज का, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज को दिया था ये प्रोडक्ट, अच्छे रिजल्ट मिले थे, कोई साइड इफेक्ट नहीं था, लेकिन फॉर प्रिकॉशन के लिए हम आप समझ सकते हैं कि प्रिकॉशन के लिए और कुछ फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हमने भी थोड़ा सा बोला है प्रेग्नेंट लेडीज को कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए, उनको नहीं देना है। अगर देना है डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए, अगर डॉक्टर अलाउ करते हैं तो आप दे सकते हैं।
नेक्सियम में और मार्केट की किसी भी दवा को लेने में 1 घंटे का गैप रखें। कभी भी नेक्सियम को फीलिंग के साथ मत लीजिए, 1 घंटे का गैप रखें। सुबह नेक्सियम ले रहे हैं तो शाम में आपको फीलिंग कैप्सूल लेना है। दोनों को साथ में लेंगे तो दोनों में कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है और कैल्शियम आपका बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। अगर आप कोई और भी सप्लीमेंट वगैरह ले रहे हैं तो किसी अच्छे हेल्थ केयर प्रोफेशनल से आप पूछ सकते हैं, आप जो भी सप्लीमेंट ले रहे हैं दिखा के आप पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज, ज्यादा भी हमें कैल्शियम नहीं लेना है, 2000 mg से ज्यादा भी एक दिन में नहीं लेना है, क्योंकि बॉडी एक टाइम पे 500 से 600 mg ही एब्जॉर्ब कर पाता है, ले पाता है। तो अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है, हड्डियों का ज्यादा इशू है, तो आप सुबह शाम करके ले सकते हैं। तो नेक्सियम बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, दांतों को मजबूत करता है, हड्डियों के बीच में जो कार्टिलेज होता है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। तो आगे चलकर अभी से लेते हैं तो आगे चलकर आपको हड्डियों की प्रॉब्लम, घुटनों के दर्द से हम बच सकते हैं। मसल्स को अच्छा रखता है, आपके ब्लड प्रेशर को भी सपोर्ट करता है, आपके नर्वस सिस्टम को भी अच्छा रखने में मदद करता है, खून के बंद होने के टाइम को कम करता है। अगर आपको कोई कट लग जाएगा, खून बह रहा है, तो वो जल्दी बंद होता है, बाल झड़ने से रोकता है, पत्थर बनने से रोकता है, और आपका बॉडी उसको मैक्सिमम तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, ले लेता है। तो बहुत बेनिफिट्स है। लास्ट में आपको क्या याद रखना है, अगर कोई आपसे ऐसे ही पूछे कि नेक्सियम में ऐसा क्या है, तो आप क्या बता सकते हैं? नेक्सियम में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कैल्शियम के साथ हमने कोल्चू डाला है जो स्टोन्स को बनने नहीं देता, पीपली कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। एक कैप्सूल अगर आपने उसका खाया तो 33% जितना आपको रिकमेंड किया गया है उसका 33% एक कैप्सूल दे देता है। पहली बार ऐसा कोई फॉर्मूला मार्केट में आया है, इंडिया में आया है, और हमने उसको गाय के दूध जो है बोवाइन मिल्क है उससे हमने ये निकाला है। तो ये था हमारा नेक्सियम, कैल्शियम मतलब एलिमेंट्स वेलनेस नेक्सियम। हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को देखा, हमने वेलहार्ट से लेकर डेलीटॉक्स से लेकर रेम निद्रा से लेकर नेक्सियम, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को अभी तक हमने स्टडी किया। और कल हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो लिव अगेन लिक्विड एंड लिव अगेन कैप्सूल्स पे होगा, तो कल इसी टाइम पे हमें जुड़ना है। और जो भी लोग यूट्यूब से कनेक्टेड है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे बात करेंगे, लास्ट में 3 तरीके के कस्टमर मिलेंगे, ए बी एंड सी। ए मतलब हेल्दी है, अच्छे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीमार हो चुके हैं। बी हमारा जो मार्केट है वो ए एंड बी का है, प्लीज क्रिटिकल पेशेंट्स पे हमें नहीं जाना है। कभी भी कोई भी प्रोडक्ट किसी ई कॉमर्स Amazon, Flipkart से सस्ते रेट्स में नहीं खरीदना है, कंपनी उसकी कोई गारंटी नहीं देती है, एक्सपायर्ड हो सकते हैं। जब भी प्रोडक्ट लीजिए इंडिया शॉपिंग के आउटलेट से ही आपको लेना है, जिन्होंने भी आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, नेक्सियम से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वही पूछिएगा। डेलीटॉक्स के साथ भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने पहले भी बताया है कि एलिमेंट्स वेलनेस का कोई भी 3 से 4 प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, कोई भी नॉर्मल पर्सन इसको ले सकता है। जैसे मैंने बताया इट्स अ सप्लीमेंट, खाने से भी हम कैल्शियम ले रहे हैं ना, तो आप इसको भी एज अ कैल्शियम सोर्स ले सकते हैं। ये कोई फैट नहीं बढ़ाता है, ये आपकी बॉडी में कैल्शियम देता है। बॉडी बिल्डर्स को भी आप दे सकते हैं, 2 साल के बच्चों को अलाउड नहीं है ये जो प्रोडक्ट है, आपको 5 साल के ऊपर के लोगों को ही देना है। डायबिटीज पर्सन भी बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें भी आप डायबिटीज पर्सन के लिए बनाया गया, उसमें शुगर नहीं है, तो आप डायबिटीज पेशेंट को दे सकते हैं। इससे कॉन्स्टिपेशन का कोई इशू नहीं है, ये तो आपका जो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके कॉन्स्टिपेशन से वो कुछ प्रॉब्लम होगा। इसमें आयुष्मा क्यों नहीं है, बिकॉज इट्स अ फूड सप्लीमेंट। याद रखिएगा हमारे जो पहले जो रेंज के प्रोडक्ट्स थे दोज आर आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, और उसमें आयुष का मार्क होता है। जो हमारे सप्लीमेंट्स है इसमें आपको FSSAI का मार्क होगा, बिकॉज इट्स अ फूड सप्लीमेंट, एक आयरन सप्लीमेंट है। दिन में एक बार भी लेंगे तो चलेगा, एक ही दिन बार लेना है। अगर किसी को ज्यादा इश्यू है तो आप सुबह शाम दे सकते हैं, घुटने के दर्द में भी दे सकते हैं, क्योंकि कार्टिलेज डैमेज होने की वजह से भी होता है। लेकिन किसी को ये नहीं बोलना है कि कार्टिलेज को बना देगा या कुछ कर देगा, आगे फ्यूचर जो डैमेज होने वाला है उसको प्रिवेंट कर देगा। लैक्टेटिंग मदर्स और प्रेग्नेंट लेडीज को डॉक्टर से कंसल्ट करके आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके दे सकते हैं। लेकिन नेल्स भी, जो हमारे नाखून जो हमारे होते हैं उसमें भी कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपके नेल्स अच्छे नहीं है, बहुत टूट रहे हैं, ब्रिटल हैं, तो आप उसमें अपना नेक्सियम स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें हेल्प करता है। थायराइड के थाई हेल्थ के साथ भी आप बिल्कुल दे सकते हैं, आपका थायराइड का जो हेल्थ अच्छा होगा तो आपके कैल्शियम के लेवल पे भी वो डिपेंड करता है, तो आपका थायराइड भी दे सकते हैं। किन्होंने पूछा है कि मेरी मदर डायबिटिक है, बिल्कुल आप उनको दे सकते हैं, इट इज सूटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट ऑल्सो। दांतों के कैल्शियम, देखिए हमारी बॉडी में जो कैल्शियम होता है वो या तो हमारी दांतों में और हड्डियों में ही जमा होता है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो आपके दांतों में इश्यूज देखे जाते हैं। तो अगर दांत के कुछ इश्यूज है तो आप अभी से ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कीड़े लग गए तो वो ठीक हो जाए, बट फ्यूचर में होने के जो चांसेस है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए. कल इसी टाइम पे हम लिवोगेन लिक्विड और लिवोगेन कैप्सूल्स के साथ जुड़ेंगे. थैंक यू सो मच. दिस वाज श्वेता राय इन फ्रंट ऑफ यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग. फॉर मोर बिजनेस एंड प्रोडक्ट वीडियोज सब्सक्राइब द चैनल नाउ.